तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी एट होम परिवार में, आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज एक नया सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और शानदार सेशन रहेगा। और आप सभी को पता है सटासट और फटाफट सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम कम समय में अधिक जानकारी आपको सिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सेशन, इस पर सेशन का पहला प्रश्न है हमारे सामने, क्वाड्री साइकिल में कितने पहिए होते हैं। क्वाड्री साइकिल में यानी क्वाड्री साइकिल में एक पहिया आगे पीछे साइकिल होती है। अब क्वाड्री साइकिल में क्या होगा, एक पहिया यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, चार पहिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नया पंजीकरण चिन्ह के असाइनमेंट के लिए आवेदन प्रपत्र होता है। पहली बात तो नाम आया है नया पंजीकरण चिन्ह, एक होता है न्यू रजिस्ट्रेशन जो होता है व्हीकल का, फोर व्हीकल, उसमें और इसमें फर्क होता है। अभी न्यू पंजीकरण चिन्ह कब प्राप्त किया जाता है, जब आप एक स्टेट से हैं यानी कि अदर स्टेट में आप अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, अदर स्टेट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने व्हीकल को, अदर स्टेट व्हीकल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको ये न्यू असाइनमेंट चिन्ह प्राप्त करना पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि जो धारा 47 है, धारा 47 कहती है कि आप अगर एक व्हीकल को एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में ले जाना चाहते हैं और उसका प्रयोग वहाँ पर 12 महीने से अधिक के लिए करना चाहते हैं, तो ये 12 माह प्लस हो जाने पर आपको यहाँ पर ये अधिकार देती है कि आपको नया पंजीकरण चिन्ह यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है ना, तो इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म संख्या कौन सा होगा, फॉर्म संख्या 27 में आप अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके साथ आपको एनओसी चाहिए होगी जो कि फॉर्म संख्या 28 में होती है। अब आपसे पूछ ले, एक प्रश्न आया था राजस्थान हाईकोर्ट में कि भी एनओसी की आवश्यकता कब होती है, तो आपको पता होगा दूसरे राज्य में न्यू पंजीकरण चिन्ह के अप्लाई करने के लिए आपको एनओसी की आवश्यकता होती है। एनओसी का काम केवल और केवल यहाँ पर आवश्यकता होती है दूसरे राज्य में अपने वाहन को पंजीकृत करवाना। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट प्राप्त है। केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, स्थानीय प्राधिकरण वाहन, उपरोक्त सभी। यानी कि ऐसे कौन से वाहन हैं जिनको थर्ड पार्टी बीमा के जोखिम के विरुद्ध जो बीमा बनवाते हैं, इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ वाहनों को इंश्योरेंस यहाँ पे छूट दी गई है, तो ऐसे कौन से वाहन हैं, तो ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, इन सभी वाहनों को यहाँ पर छूट होती है। प्रश्न संख्या 44, यदि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी में किसी बीमारी से पीड़ित है तो मोटर वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है। यानी कि वो जानता है कि यहाँ पर वो खुद बीमार है और फिर भी वो लाइसेंस प्राप्त करके अगर गाड़ी चलाता है, अगर वो पकड़ा जाता है, तो इसमें जुर्माने का प्रावधान है और इसके तहत यहाँ पर क्या है, 1000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता होगा कि इस बीमारी के बारे में, बीमारी से पीड़ित के मामले में कौन सी धारा का प्रावधान है, धारा 16 कहती है बीमार कोई व्यक्ति है उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर प्राप्त कर लेता है, बीमार है फिर भी गाड़ी चलाता है, तो ये एक अपराध है और ये धारा 186 का उल्लंघन माना जाता है। इसके तहत प्रथम बार में 1000 का जुर्माना होता है, दूसरी बार में 2000 का होता है। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना। अधिकतम जुर्माना क्या है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाता है जिसका उपयोग धारा 39 के प्रावधान के उल्लंघन में किया जाता है, यानी कि एक ऐसी गाड़ी चलाता है जो धारा 39 का उल्लंघन करती है, तो जुर्माना क्या है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा धारा जो 39 है ये कौन सी, मतलब किसका उल्लंघन करती है, बिना आरसी, यानी बिना आरसी अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और वो भी किस धारा के तहत, यहाँ पर धारा 192, धारा 192 यहाँ पर 2000 से 5000 तक का जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर 5000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न समझ में आपको आ रहा होगा, M2 की श्रेणी का अर्थ क्या होता है। M2 आप सभी को पता है जो वाहन होते हैं L, M और N तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो L कैटेगरी जो होती है दो पहिया तीन पहिया वाहनों के लिए, M कैटेगरी यात्री वाहनों के लिए, N कैटेगरी माल परिवहनों के लिए होती है। इसमें भी M कैटेगरी को कई M1, M2, M3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो M2 कैटेगरी जो है वो किसके लिए है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो M2 कैटेगरी है 5 टन से कम इसमें जो यहाँ पर है वो भार होता है। पहली बात तो 5 टन आपको याद रखना है, 5 टन से कम होता है। साथ ही आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है 8 या 8 मतलब कि चालक की सीट के अलावा 8 या अधिक सीटों वाले यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। साथ ही 5 टन इसकी लिमिट होती है, ठीक है, 5 टन से कम इसका वजन होता है। यानी वजन टन में पूछे ना, टन में पूछे तो 5 टन से कम होता है, और सवारियों की पूछे तो चालक के अलावा 8 से अधिक इसमें यात्री बैठ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता की अवधि यानी कि आई डी
IDLP इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोला जाता, परमिट बोला जाता है। तो इसकी अवधि क्या होती है, यहाँ पर अवधि इसकी एक साल के लिए होती है। अप्लाई की बात करते हैं, अप्लाई कौन से फोरम में करते हैं, कोई अगर किसी को भी पता तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फोरम संख्या 4A में अप्लाई करते हैं। जारी कौन सी में होता है, फोरम संख्या यहाँ पर 6A में ये जारी किया जाता है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इसकी जो वैधता होती है एक साल होती है। या आपका जो DL बाकी रहेगा, DL जितना बाकी है ना, उनमें से जो भी पहले हो, या तो एक साल हो जाएगा या एक साल से पहले अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अगर समाप्त हो रहा है, जैसे 10 महीने बाद हो रहा है, तो फिर एक साल नहीं होगा, 10 महीने होगा, जो पहले होगा ना उसी प्रकार से होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर एक या दो, यानी कि एक वर्ष से अधिक नहीं ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तक, यानी ए और बी, एक या दो नहीं है, ये यहाँ पर है ए और बी, ए व बी, ऐसा मानो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 आ गया सीधा, चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का उपयोग पते और उम्र के साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, कौन सा दस्तावेज है जिसका उपयोग आप या उम्र के साक्ष्य के रूप में, दोस्तों आप पर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए, या आप अगर कोई RC बनवाते हैं, आप सभी को बताओगे जो मोटर वाहन अधिनियम है इसमें जो नियम लिखे गए हैं कि आप किसी काम के लिए कौन से दस्तावेज को आप उपयोग में ले सकते हैं, कौन से को उपयोग में आप नहीं ले सकते हैं। तो इसी के अनुसार यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसके लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का उपयोग पते और उम्र के साक्ष्य में, पते और उम्र के रूप में कौन कौन से काम ले सकते हैं, जैसे कि आप एक तो पे स्लिप ले सकते हैं, पे स्लिप, ठीक है, एक आप स्कूल का सर्टिफिकेट कोई हो, स्कूल का ले सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होता है, आप कोई मेडिकल डिक्लेरेशन या मेडिकल से संबंधित जो भी होता है ना, या राज्य सरकार के द्वारा अगर कुछ जारी किया गया है, राज्य सरकार कोई भी अगर प्रमाण पत्र जारी करती है तो वो भी आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सही कौन सा हो जाएगा, पासपोर्ट, पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतदाता सूची का कर सकते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी का कर सकते हैं, लेकिन बैंक पासबुक का प्रयोग यहाँ पे आप नहीं कर सकते पते और उम्र के रूप में। किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी एक वाहन को रोक सकता है, आप सभी को पता होगा कि पुलिस अधिकारी को रोकने का और जो दस्तावेज होते हैं उनको जब्त करने का अधिकार यहाँ पे होता है, आप सभी को पता होगा वाहन रोक सकता है और वहाँ से जब्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना DL को सस्पेंड करने का अधिकार धारा 206 में किया गया है। धारा 207 में यहाँ पर क्या है, जो है एक अधिकारी है जो वाहन को रोक सकता है और जब्त भी कर सकता है, किस लिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में आरसी नहीं है, DL नहीं है, या परमिट नहीं है, या फिटनेस नहीं है, या आपके टैक्स आपने नहीं भरा है, या PUCC नहीं है, ये दस्तावेज अगर नहीं होते हैं तो वो चाहने पर आपके वाहन को रोक सकता है तब तक जब तक आप उसको दिखा नहीं देते, अगर वो चाहे तो, है ना। इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, और दस्तावेज चेक करने की जो पावर होती है ना वो धारा 206 में दी गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धारा 207। प्रश्न संख्या आपकी 51 है, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो, और ये बात किस धारा में बोली गई है ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मोटर वाहन अधिनियम है, इसकी कौन सी धारा है जिसमें ये लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक आप हेवी लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस नहीं देंगे जब तक उसके पास में LMB का लाइसेंस कितना पुराना न हो, तो इसमें एक साल का नियम होता है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि आपके पास में अगर या तो आपकी उम्र 20 साल, एक तो 20 साल उम्र होनी चाहिए प्लस एक साल का आपके पास में LMV होना चाहिए, तो आप हेवी लाइसेंस के लिए LMV जो लर्निंग लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। तो इसमें एक साल, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा इसका उल्लेख जो है जो मोटर वाहन अधिनियम है MVA इसकी जो धारा 7 है इसमें ये उल्लेख किया गया है, कुछ परिस्थितियों में लाइसेंस को देने से यहाँ पर मना करना, या कुछ स्थितियों में लाइसेंस देने से यहाँ पे है जो है उस पर प्रतिबंध होता है ना, तो इसमें ये एक नियम ये भी है कि उसके पास अगर एक साल का LMV नहीं है तो उसको HMV का नहीं देंगे। प्रश्न 52, निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट आवश्यक नहीं है, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले कोई भी परिवहन वाहन, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कोई भी परिवहन वाहन, मोटर वाहन विभाग के स्वामित्व वाला कोई भी परिवहन वाहन, और ये सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये तीनों है ना इन सभी को यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं है, परमिट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 66 जो है ये कहती है कि यहाँ पर परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे कि कोई दमकल की गाड़ियाँ हैं, दमकल आग बुझाती है, रोगी का कोई वाहन होता है, रोगी का वाहन होता है, पुलिस होती है, ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कोई शवयान होता है, शवयान, ठीक है, इसके अलावा कोई ख़राब वाहन होता है,
इसको सही करवाने के लिए अगर आप ले जा रहे हैं, खराब वाहन होता है या आपातकालीन जो वाहन होते हैं ना, आपातकाल में जो काम करते हैं, इन सभी जो वाहन हैं इनको परमिट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परमिट की अवधि क्या होती है, परमिट कितने समय के लिए दिया जाता है। तो सामान्यतः परमिट है वो 5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन बात करते हैं अस्थायी परमिट, टेम्परेरी परमिट दिया जाता है जो कि 1 से 4 महीने तक दिया जाता है, 4 महीने तक, एक कम से कम 1 माह, अधिकतम 4 माह। एक विशेष स्पेशल परमिट होता है, वो दोस्तों यहाँ पर 4 से लेकर 12 माह तक दिया जाता है, आपको याद रखना है। अस्थायी परमिट धारा 87, विशेष परमिट धारा 88 के तहत दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी, प्रश्न संख्या 54 आपके सामने आ चुका है। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने वाले किसी भी मालिक को अधिकतम दंड क्या होता है, यानी किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश को अगर कोई अधिकारी आपको आदेश देता है और आप उसका मानते नहीं है, तो किसी भी मालिक को अवज्ञा करने वाले किसी भी मालिक को, वाहन का जो मालिक है उसको अधिकतम दंड कितना हो सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर से पूछ लिए जाते हैं, तो ये बेसिक के कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए। तो अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना, आप सभी को पता है धारा 179 इसके तहत जुर्माने का प्रावधान है, 2000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 55 है, यदि कोई व्यक्ति धारा 113 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता है धारा 113 इसका संबंध है ओवरलोड गाड़ी चलाओगे तो जुर्माना है। आप सभी को पता होगा ओवरलोड की स्थिति में धारा 194 लागू होती है और 194 में 20,000 का जुर्माना इंस्टेंट लगता है और प्रति टन 1 टन अगर अतिरिक्त है तो उसके 2000 से अलग से लगेंगे, 2 टन है तो 4000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जुर्माने का आपको प्रावधान है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 56 है, श्रेणी एन का अर्थ क्या होता है। एन श्रेणी जो होती है ना वो किसके लिए होती है, आपको सभी को पता है, मैंने बताया भी था, एल श्रेणी 2 या 3 पहिया वाहन के लिए, एम श्रेणी यात्री वाहन होते हैं जिनमें यात्री बैठते हैं, एन जो श्रेणी होती है ना वो माल जो यान होते हैं उनके लिए होती है। तो एन श्रेणी किसके लिए हो जाएगी यहाँ पे, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो एन श्रेणी हो जाएगी माल की ढुलाई के लिए कम से कम 4 पहिए वाले मोटर यान, कम से कम 4 पहिए होने चाहिए और माल अगर ढोते हैं तो वो एम परिवहन की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 57, मल्टी एक्सल के अलावा, देखो मल्टी एक्सल के अलावा यानी कि कोई वाहन है जिसमें 4 टायर होते हैं, इसमें 2 एक्सल होगी, लेकिन इसमें कई वाहन ऐसे होते हैं जहाँ डबल एक्सल होती है पीछे, तो ये 1 से 2 से ज़्यादा एक्सल होती है ना, इनको मल्टी एक्सल बोला जाता है, 2 से अधिक एक्सल है मल्टी एक्सल। अलावा अन्य माल ढुलाई के संबंध में राष्ट्रीय परमिट वाहन के रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेरित मोटर वाहन की आयु क्या होगी, ये पूछा गया है कि यहाँ पर मल्टी एक्सल वाहनों के अलावा अन्य जो वाहन है जो माल का परिवहन करते हैं और इनका राष्ट्रीय परमिट मतलब कि नेशनल परमिट जारी करवाना है तो वो कितने समय के लिए। आप सभी को पता है यहाँ पर अगर मल्टी एक्सल वाहन है मल्टी एक्सल के लिए 15 साल होता है और अन्य वाहनों के लिए अदर व्हीकल जो होते हैं इनके लिए 12 साल तक आप नेशनल परमिट जारी करवा सकते हैं। माना कि आपने 2 एक्सल वाला कोई वाहन खरीदा है और उसका परमिट आप नेशनल परमिट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका वाहन जब तक 12 साल पुराना नहीं होगा तब तक आप उसका नेशनल परमिट है वो जारी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये आपका जो वाहन है मल्टी एक्सल वाहन है तो वो 15 साल के लिए 15 साल तक नेशनल परमिट जारी करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 साल। अगला प्रश्न हमारे सामने, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ आपको क्या देना होता है, ड्राइविंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र। तो आप सभी को पता है जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं आपको जो पूर्व में जारी किया गया जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना उसको वहाँ पर जमा कर लेते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ध्यान रखना जब भी आप रिन्यू करवाएंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आप ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है इसको आप रिन्यू के लिए अप्लाई रिन्यू ठीक है, रिन्यू के अप्लाई करते हैं तो आप सभी को पता है पहले इसके लिए फॉर्म संख्या 9 में अप्लाई किया जाता था, 8 में श्रेणी एड का होता था, 2 में आवेदन होता था, 4 में यहाँ पे जारी होता था। अब आप सभी को पता होगा इन चारों के जो चारों होते हैं इन चारों फॉर्मों का जो यूज है चारों की जगह फॉर्म संख्या 2 का यूज होता है केवल। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना हो, श्रेणी ऐड करवाना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, नया आवेदन हो, सभी प्रकार के आवेदन है फॉर्म संख्या 2 में यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लाइसेंसिंग प्राधिकरण कौन है,
लाइसेंसिंग प्राधिकरण वो होगा जो लाइसेंस को जारी करता है, लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार वहाँ पे रखता है। तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होता है ना, वो आपके लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 60 है, अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है, यानी कि अतिरिक्त पंजीकरण है जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होता है ना, इसको अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकारी भी इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए सक्षमता की परीक्षा में आवेदक को छूट दी गई है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए सक्षमता में परीक्षा में आवेदक को छूट दी गई है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित यहां पर पूछा गया है कि आपको टेस्ट में सक्षमता परीक्षा का मतलब है आपको ड्राइविंग टेस्ट जो होता है उससे छूट दी जाती है। अगर आप किसी दूसरे देश में अगर आप मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो यहां पर आपका बिना टेस्ट है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है जिनेवा कन्वेंशन 1949 जो सम्मेलन हुआ था ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनको लेकर हुआ था, तो यहां पर उसी का उल्लेख किया गया है, यानी सक्षमता परीक्षण की जो आवश्यकता वो नहीं होगी। अगर आप किसी दूसरे देश में पहले से लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं तो आपको छूट यहां पर दी जा सकती है। ऑप्शन बी, किसी विदेशी देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस रखता है तो आपको यहां पर जो सक्षमता परीक्षा होगी उसमें आवेदक को छूट है वो दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए परमिट आवश्यक नहीं है, कौन सा वाहन ऐसा है जिसके लिए परमिट आपको आवश्यकता नहीं होती है, तो आप सभी को यहां पर ध्यान देना है, जिन वाहनों का माल वाहन सकल वाहन भार यानी कि GVW ग्रोस व्हीकल वेट 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है उनको यहाँ पर परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई सी भी गाड़ी जिनमें जिनकी जो पावर होती है ना, क्षमता होती है 3000 जो मतलब कि केजी से अगर कम है तो उनको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। 3000 किलोग्राम आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, स्टेज करीज परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टेज करीज यानी कि मंजिली गाड़ी है ना, तो स्टेज करीज के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य परिवहन प्राधिकरण है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण है, तो इसके लिए जो नियम बनाती है तो वो कौन निर्धारण करता है, इसका जवाब हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 64 है, अस्थायी परमिट की अवधि होती है, अभी मैंने बताया था अस्थायी परमिट होता है ना, इसको धारा 87 के तहत यहाँ पर जारी किया जाता है। धारा 87 अवधि की बात करते हैं 1 से 4 माह तक, कम से कम 1 माह है, अधिक से अधिक 4 माह है, तो 6 महीने से अधिक नहीं, 1 महीने से अधिक नहीं, 4 महीने से अधिक नहीं और 20 दिनों से अधिक नहीं, तो हो जाएगा 4 महीने से अधिक नहीं होता, 1 से 4 महीने तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का अर्थ है खालिस्तान द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, कौन जारी करता है इसको, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ना, लाइसेंसिंग प्राधिकरण जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, डीलर द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया, डीपी ड्राइवर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो बिक्री प्रमाण पत्र सेल सर्टिफिकेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और आप सभी को पता है फॉर्म संख्या जो है ना 23 में आरसी को जारी किया जाता है, आरसी जारी होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है 22 नंबर जो है ना वो सुरक्षात्मक जो प्रकरण होते हैं गाड़ी के उनसे संबंधित रखता है, और फॉर्म संख्या जो 21 होता है ना इसका जवाब हो जाएगा फॉर्म संख्या 21 बिक्री प्रमाण पत्र से संबंधित होता है। प्रश्न 67 है, मोटर कार में सीट बेल्ट पहनने के लिए सभी को कौन आवश्यक है, सभी को क्या मतलब कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए, तो किस किस के लिए जो सीट बेल्ट लगाना है आवश्यक होता है, चालक, सामने बैठे यात्री, फ्रंट फेस रियर सीटेड पैसेंजर, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी मोटर कार जो होती है उसमें किन किन जो व्यक्तियों को है सीट बेल्ट लगाना चाहिए, जिनका मुंह है आगे की ओर हो, यानी कि फ्रंट फेस रियर सीटेड पैसेंजर, अगर पीछे की सीट पर अगर आगे की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति बैठा है उसको यहाँ पर सीट बेल्ट की आवश्यकता होती है, सामने बैठे यात्री को भी है और चालक को भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न 68 है, यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 113 के उल्लंघन में वाहन का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, एक वाहन को एक टोल उपकरण तक पहुंचाने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन हो सकता है, तो एक मोटर वाहन विभाग का कोई भी अधिकारी जो होता है ना, लेकिन होना आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई भी जो अधिकारी है वो आपके वाहन को तुलवाने के लिए टोल नाके तक भिजवा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण की वैधता होती है, यानी कि जो निजी प्राइवेट जो गाड़ियां होती है प्राइवेट व्हीकल, इनका जो पंजीकरण होता है वो कितने माह के लिए या साल के लिए वैलिड होता है, तो ये 15 साल के लिए होता है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, यदि कोई व्यक्ति धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम दंड क्या है, धारा 112 है वो गति सीमा से संबंधित है, क्या है, गति सीमा से संबंध रखता है,
किससे, गति सीमा से। अब आपको पता है कि गति सीमा का उल्लंघन करेंगे धारा 183 लागू होगी, और धारा 183 कहती है कि अगर आप LMB गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं तो आपका 1,000 से 2,000 जुर्माना होगा, 1 से 2 तक, और अगर आप HMV गाड़ी से अगर उल्लंघन करते हैं तो 2 से 4 तक होगा। तो यहाँ पर पूछा है यदि कोई व्यक्ति धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है तो अधिकतम दंड कितना हो सकता है, तो इसका जवाब अब यहाँ पर आपको ध्यान से सावधानी से करना है, क्योंकि मोटर वाहन का पूछा तो मोटर कार हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 1,000 हो जाएगा। अधिक तो अधिकतम दंड पूछा है भाई, अधिकतम दंड कितना होगा ये पूछा गया है अभी तो। लेकिन इसमें अब आपको ध्यान देना है कि इसमें जो ये मतलब पर्सन है ये 2019 से पहले में एग्जाम रिव्यू में पूछा गया पर्सन है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना है भी 2000 का ऑप्शन ही नहीं है। अधिकतम दंड की बात करते हैं मोटर कार में तो 2000 होता है, लेकिन 2000 का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 1000 इसको मान लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान है रहेगा कि अगर LMV के लिए पूछे अधिकतम पूछे तो 2000 होगा, मिनिमम पूछे तो 1000 होगा। वही बात HMV में पूछेगा, अगर अधिकतम पूछे तो 4000 और न्यूनतम पूछे तो 2000 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है धारा 183 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन किया जाता है कौन से फॉरम में। बहुत सिंपल प्रश्न है, मैंने अभी आपको बताया था फॉरम 4A में, तो अब यहाँ पर आप आवेदन करेंगे 6A में जारी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4A। प्रश्न संख्या 72, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है। अभी आया था धारा जो 112 है ना, इसमें गति सीमा का उल्लेख किया गया है, और इसके उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होती है, और इसके तहत जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। प्रश्न संख्या 73 आपके सामने है, वह अधिकतम जुर्माना क्या होगा यदि कोई वाहन का मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने का कारण बनता है या बनता है जो उसके द्वारा धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में शामिल होता है। यानी कि किसी प्रश्न दोबारा ध्यान से पढ़ें, वह अधिकतम जुर्माना क्या होगा यदि कोई वाहन का मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने का कारण बनता है जो उसके द्वारा धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा उल्लंघन करता है, मतलब गति सीमा का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप धारा 112 का उल्लंघन करते हैं गति सीमा का ओवर स्पीड में, तो धारा 183 लागू होगी, तो यहाँ पर अधिकतम जुर्माना पूछा, तो इसमें वही बात आ गई, अधिकतम जुर्माना 1000 है, क्योंकि इसमें गाड़ी का बताया नहीं गया है, और ये भी पुराना प्रश्न है, 1000 से 2000 हो सकता था, 2000 से 4000 हो सकता था, LMV और HMV का भी मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था ओवर स्पीडिंग का नियम। यदि कोई व्यक्ति धारा 146 के प्रावधानों के उल्लंघन में वाहन चलाता है तो कितने माह का कारावास का प्रावधान है। धारा 146 जो है यहाँ पर आप सभी को पता है बीमा से संबंधित है, आप बिना वाहन का बीमा कराए गाड़ी चलाते हैं तो कितने यहाँ पर जो टाइम का जो प्रावधान है, तो आप सभी को पता होगा धारा 146 तो उल्लंघन कहती है कि आपको आवश्यक रूप से बीमा बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं बनवाते हैं तो धारा 196 लागू होती है, और धारा 196 के तहत 2000 का जुर्माना और 3 माह की कैद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस जारी करने के मामले में प्रारंभिक परीक्षा आवश्यक होता है। लर्निंग लाइसेंस जब जारी करवाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है, नए अवधि के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आवश्यक होती है, बाकी के लिए नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है, नए आवेदन करेंगे लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। परिवहन वाहन चालक की वर्दी को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है। परिवहन वाहन चालक जो होता है उसकी वर्दी क्या होगी, कैसे कलर होगा, कौन सा कपड़ा होगा, कैसी डिजाइन होगी, तो ये निश्चित करने का जो अधिकार है या अधिकृत व्यक्ति कौन, इसके लिए परिवहन आयुक्त है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो चालक की जो वर्दी होती है ना उसको अधिकृत व्यक्ति है उसको चेंज करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही शानदार सेशन स्टडी एट होम ऐप के ऊपर और जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी होम इसके ऊपर आपके साथ मिलकर लेने का प्रयास किया, और उम्मीद ही नहीं पूरी आशा है कि आप इसको बढ़ चढ़ कर इसको ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, और अगर आपको मज़ा आया है समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। आप यूं ही आगे के सेशन लेते रहिएगा, कमेंट नहीं आए तो फिर आगे का सेशन नहीं होगा। आप सभी को पता है कि पिछला सेशन आप लोगों ने लाइक नहीं किया था तो हमने क्या है उसको ज़्यादा फिर इसके बाद में ये सेशन लेट शुरू किया है, फिर से यही कि आप लोगों ने अगर प्रेम दिखाया तो फिर हम जरूर आगे के सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रहे, इस सेशन को आप थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही बताना चाहूंगा आप वीडियो के